नमस्कार मित्रों, अभी पूरे भारत का हाल जो है आप सब जानते हैं। कोरोना से पूरा देश नहीं पूरा विश्व परेशान है, साथ ही साथ आज तेलंगाना में भी कोरोना वायरस की संख्या बढ़ते जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। आज मेरी विधानसभा है गोशामहल। मेरी विधानसभा गोशामहल में अगर किसी को भी इमरजेंसी अगर प्रॉब्लम है, जैसे हॉस्पिटल जाना है या किसको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो कृपया करके आप डायरेक्टली राजा सिंह यानी मैं, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आपकी सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए टोटल 3 गाड़ियां उपस्थित है, 3 ड्राइवर उपस्थित है। अगर आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है या कुछ ही प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो तुरंत आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए। मैं मेरा नंबर भी आपको दूंगा, ऑलरेडी मेरी विधानसभा के हर व्यक्ति के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। लेकिन आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, इमरजेंसी है तो ही मुझे कॉल करना, फिजूल में कोई कॉल नहीं करना। ये भी मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा में किसी को अगर इमरजेंसी प्रॉब्लम आए, गाड़ी की व्यवस्था किसी प्रकार की कोई उनसे पास व्यवस्था नहीं रही और किसी को दिक्कत आए, तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इमरजेंसी के लिए ही आप मुझे कॉल कीजिए, 10 मिनट में मेरा आदमी गाड़ी के साथ में आपके घर पहुँच जाएगा। सावधानी बरत रहे हैं, थोड़ा सावधानी बरतो, क्योंकि बहुत ही बढ़ते जा रहा है। अभी अपने तेलंगाना में भोजन हुआ है, अभी कितने लोग रह रहे हैं आपके पास? और भी जैसे ये मगरा है ना, वहाँ पर भी कुछ बाहर के लोग हैं जिनकी खाने का प्रॉब्लम हो रहा है, बोला मालूम है। आप एक छोटा सा लिस्ट बना लो भैया, आप जितने लोगों का हमारे को लिस्ट देंगे ना, उतने लोगों को हम भोजन सप्लाई कर देंगे। उतने लोग मेरा अपने एरिया में कोई भी व्यक्ति को कुछ भी प्रॉब्लम आया, ठीक है, मुझे बताना। इसको भी प्रॉब्लम आया तो मैं क्योंकि अभी क्या बहुत माहौल खराब है, जिसको भी खाने का प्रॉब्लम रहा है, तो इसलिए अपन क्या अपने घर के पास की भोजन संभाल जितना हो सके अपने एरिया में। खाए ना, आज थोड़ा स्पेशल बनाए हम लोग, थोड़ा उधर भी अपने और भी एक दो तीन मस्जिदें हैं, वहाँ पर भी अगर अपने कोई लोग रह गए तो मुझे बताओ। आप एक लिस्ट ले लो थोड़ा सा, और आप जितना लिस्ट देंगे ना, उनके एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, फोन करके उनके घर तक खाना पहुँचाएगा, ठीक है?